अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक मजे में भाई? सुबह हो गई है, टाइम इस टाइम पे हो रहा है सुबह के 8:30 और हमारी भुट्टो रानी जो है वो स्कूल जा रही है। जा रही हो? हाँ, और सुबह सुबह लाइट चली गई 8 बजे, तो अभी चलते हैं, इनको स्कूल छोड़ते हैं, फिर वहाँ से पार्क करते हैं, फिर वहाँ से थोड़ी सी बातें करते हैं। वेलकम बैक जी। तो फाइनली छोड़ दिया हमने अपनी भुट्टो रानी को, और उनका थोड़ा सा मूड था नहीं आज स्कूल जाने का ना, लेकिन फिर भी हमने उसको छोड़ दिया कि भाई चली जाओ, क्योंकि उनके चलने पेपर, वो क्या कहते हैं इनके जो अपना 3rd टर्म है ये। अब एक तो ये हर 2 महीने बाद इनके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं भैया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पेपर वेपर ख़त्म हो जाएंगे और फिर ये चली जाएंगे नानी के घर रुकने के लिए, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं, फिर रमज़ान की भी तैयारी है। तो बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है और आज का क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है ये भी साथ साथ चलता रहेगा तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना? तो अभी तो ज़रा रिलैक्सिंग टाइम है, थोड़ी सी जॉगिंग वॉकिंग करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, उसके बाद फिर जाते हैं घर और उसके बाद फिर ऑफिस। भाई अब हमारी ज़िंदगी तो यही है, अभी तो ऑफिस घर ऑफिस घर, और साथ में आपसे दो चार बातें वो भी मज़े की। आप लोग बस कमेंट्स कर दिया करें ताकि हमें पता चल दिया आएगा कि भाई कौन देख रही है कौन नहीं देख रही है। बाकी हम तो हैं आपके साथ, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? लाइट गई है भैया और अभी तक कोई अता पता नहीं है, 10 बज चुके हैं और बेगम साहिबा ने नाश्ता दे दिया है। ये हमारे लिए आ गई है स्लाइस और ये आ गई मलाई वाली चाय। देखो चाय में अगर मलाई नहीं होगी ना तो नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना? मलाई के साथ चाय होनी चाहिए बस, ओके? तो जल्दी से करते हैं नाश्ता, फिर चलते हैं ऑफिस। फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, और ये जो शर्ट देख रहे हैं आप ब्राइट की, ये हर चीज राइट कर देगा, ब्राइट कर देगा, ये कोई भाई वो नहीं है। हाँ बस ऐसी शर्ट मिल गई थी तो पहन ली, ठीक है ना? तो ये मत समझना कि उसकी वो हो रही है, समझ तो गए होगे क्या हो रही है। चलो बेरा जाने देते हैं, अभी चलते हैं ऑफिस और फिर मिलते हैं, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ भी चल के देखते हैं। अच्छा ये मर्दमशुमारी के बारे में लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी ने मर्दमशुमारी करनी है तो अपनी खुद कर सकते हैं ये, ठीक है ना? शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं है, ये सारी डिटेल है और ये सामने लिखा हुआ है selfpbsgovernment.com, ठीक है? इस पे आप जाए और जाके अपने घर की जो है वो तमाम मर्दमशुमारी कर सकते हैं। ऐड कर दो भाई, अभी से कर दो ताकि बाद में परेशानी ना हो, ठीक हो गया ना? तो करेंगे बस का इंतजार, चलेंगे। अरे भैया आज तो बस बहुत जल्दी आ गई है, हम आगे खड़े हुए थे और बस आ गई है, तो जल्दी से बैठते हैं बस में और फिर चलते हैं, ठीक है? भैया हम ऑफिस में आ गए थे, अभी हम जा रहे हैं जरा एक जगह, ठीक है ना? तो सोचा क्यों ना आपको भी लेके चलें, क्योंकि वो हम तो हमारा उनके साथ जो है ना बहुत पुराना यार है, तो अच्छा लगेगा आपको भी मिलके। वैसे आप मिलते रहते हैं लेकिन फिर भी मेरा चलो दोबारा मिलवा देते हैं, बहुत दिन हो गए तो मुलाकात हो। आओ भैया बिल्डिंग तो आ गई है सामने, और ये बैग वाले चाचा नजर आ रहे हैं, बड़ी जबरदस्त जबरदस्त किस्म के बैग रखे हैं इनके पास। अरे जब ट्रेवल करूँगा ना तब लूँगा, अभी तो जरूरत नहीं है ट्रेवलिंग की, जब करेंगे तब करेंगे, अभी तो पता नहीं कब करेंगे। तो अभी चलते हैं जरा इरफान भाई के ऑफिस और जाके देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है? भैया हम पहुंच गए हैं इरफान भाई के दफ्तर में और बस चलते हैं, मुलाकात करते हैं क्या है क्या नहीं है और उसके बाद जो भी होगा ना फिर देखते हैं। ओहो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक मजा है इरफान में बेटा? पता नहीं क्या हो गया। हेलो भाई कसिम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक मजे में। तो भाई इरफान भाई का दफ्तर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। रेमा ट्रेडिंग का वाला इनकम टैक्स
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फातिमा? ठीक ठाक कैसे हैं यार? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? सुनाए सर। बस तबीयत कैसी है सर? बस ठीक ठाक बिल्कुल। मतलब ये हमारे इरफान भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। बस इरफान भाई आपकी मोहब्बत है वो कुछ भी नहीं। क्या हाल हवाल है और यार? बस बैठे हैं आपके नगर में। ठीक ठाक है? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह सर। और क्या चल रहा है? बस कुछ भी नहीं सर, आपके सामने जिंदगी चल रही है जैसे चल रही है। क्या पोजीशन है यार? सर काम वाम तो भी कुछ भी नहीं है। बहरहाल क्यों बस बैठे हैं? आपको मालूम है पूरे मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। जी और आप सुनाइए। अल्लाह खैर करेगा यार, सब कुछ ठीक। ठीक ठाक मजे में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ऑफिस बड़ा अच्छा रेनोवेट किया आपने। यार आपकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा देखता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हो यार, बहुत जबरदस्त। लेकिन नहीं क्या कि उसमें यार कैमरा बेकार है तुम्हारा, ये क्या है सर? ये छोटा मोबाइल आपके सामने देखे, जब ये छोटा सा मोबाइल हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। हमारी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा आप ये बेहतर करेंगे। यार मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा आईफोन 12 का। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी लगी है, ठीक है ना? तो बस सर मैं संभाल नहीं पाऊंगा सर, इतनी बड़ी चीज है सर। क्यों नहीं यार भाई, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, ठीक है ना? ये आईफोन का और ये जो है ना आप रख लो अपने पास, ठीक है? हाँ तो बस ये आप रख लो सर। माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। कि यार कोई इसको छुपा ना ले तुमसे यहाँ पर कराची में इसको। सर ये मेरे काबिल नहीं है सर, आप बिला वजह तकलीफ कर रहे हैं। खैर है कोई मसला नहीं सर, नजरें लग जाएंगी वैसे ही। नजरें लग जाएंगी सर, बस हर चीज बताने की नहीं होती ना सर। अच्छा अभी माशाल्लाह भाई गोल्डन कलर का देख सकते हैं आप, इरफान भाई की मोहब्बत है ये। लेकिन इरफान भाई ये आप वापस ले लें। नहीं यार रख लो, अगर जरूरत है आपको मसला नहीं है यार। हाँ इससे आप अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओगे। नहीं 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 इरफान भाई ये बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। यार बस मैं तो कह रहा हूँ कि रख ले, मोहब्बत से दे रहा हूँ आपको मैं भाई। ये देखो ये इरफान भाई की मोहब्बत है, ये कह रहे हैं कि आप आईफोन इस्तेमाल करो, हम एंड्रॉइड वाले लोग हैं, आईफोन कैसे इस्तेमाल करें? मुझे तो चला मुझे तो चलाना भी नहीं आता इरफान भाई। सीख लो आसान आसान ना, इसको सीखना एक दफा ये आप यूज करोगे फिर आपको दूसरे मोबाइल का मजा नहीं आएगा। सर वो आदत खराब हो जाएगी इरफान भाई, आदत खराब हो जाएगी। बस क्या कह सकते हैं हम इसमें, और आपको बस आजकल तो इसी का जमाना है, फोन का एप्पल का जमाना है भाई। और बिल्कुल बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे आपने धोखे से बुला लिया, मुझे पता होता ना बाखुदा मैं आता भी नहीं है। तो भाई चाय भी आ गई है ये, अभी तो इसको रखते हैं जरा साइड पे छुपा के, मतलब आराम से रखो भाई, हमें तो बहुत भारी है भाई। और चाय पीते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है? ठीक हो गया इरफान भाई, फिर इंशाल्लाह इजाजत दे मुझे। और ये इरफान भाई ये अपनी अमानत अपने पास रखे यार, रख लो ना यार, अपने पास रखे आप। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का इंशाल्लाह मैं आपके लिए बंदोबस्त करता हूं, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और फराब भाई थैंक यू। तो भैया फाइनली हम वहाँ से निकल गए हैं। असल में हाजी साहब का जो मोबाइल था ना, उन्होंने हमारी मोहब्बत में वो दे तो दिया था, लेकिन उसके अंदर उनका कुछ डेटा था। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अभी जो ना इसका जो डेटा है ना वो अपना ट्रांसफर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। तो हमने बोला वैसे भी हमारे तो लायक है नहीं इतना बड़ा मोबाइल, ना कभी इस्तेमाल किया, तो हमने बोला जाने दो, अच्छी बात है। तो अभी चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे वहाँ जाकर, ठीक है? अब सामने स्टॉप पे जाना है, वहाँ से बस मिलेगी, बस में बैठेंगे फिर चलते हैं भूतिया बिल्डिंग। आप तो जानते ही है ना भूतिया बिल्डिंग, नहीं जानते? चलो दिखा देते, दोबारा दिखा दें। हाँ फाइनली भाई हमारी आ गई है भूतिया बिल्डिंग, और अब चलेंगे अंदर जाके देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो गाइस हाजी साहब के दफ्तर में आ गए हैं दूसरे वाले, लेकिन ये थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं वीडियो बनाने पे ना, तो इसलिए अब यहाँ पे वीडियो बनेगी नहीं। तो बस ये है कि मिलेंगे और मिलके फिर ऑफिस जाएंगे। तो ये है इनका ऑफिस। तो भाई फाइनली काम वाम करके आ गए हैं, अब चलते हैं ऑफिस, वहाँ चल के देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फाइनली भाई दफ्तर आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजा आया, और इरफान भाई की मोहब्बत उनका प्यार अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे,
कि उन्होंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा महंगा मतलब गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन हमने उनको भी वापस कर दिया क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अभी मुझे उस चीज की इलम ही नहीं है मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि आने वाले वक्तों में क्योंकि मैंने भी मोबाइल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो क्वालिटी के लिए, और मुझे भी लगता है कि मेरे मोबाइल में जो है वो इस्टेब्लिश मतलब स्टेबलाइज ऐसा नहीं है जितना होना चाहिए, वीडियो हिलती रहती है, कैमरा हिलता रहता है, तो इस वजह से बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, और आखिर में क्या कहते हैं, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे, चलते चलते बो।